नमस्कार, स्वागत है आपका 2024 के महासमर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे अटकलों पर ब्रेक, मैदान में तेज। हाई प्रोफाइल सीट मानी जाने वाली कन्नौज, जहां से अखिलेश यादव, डिंपल यादव, देश में पहली बार हुआ था जब वो निर्विरोध सांसद चुनी गई थी। खैर, आज मुकेश दलाल भी दूसरे ऐसे सांसद हो गए जिन्हें निर्विरोध सांसद चुन लिया गया है। कयास लगाए जा रहे थे, अटकलें थी कि वहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने यूपी में प्रचार पर जोर दिया, प्रचार करने पर लगे। अगर वह इस या वो किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते तो मुझे लगता है प्रचार जिस तरीके से अभी वो कर पा रहे हैं, रांची जा रहे हैं, बिहार में इंडिया गठबंधन की रैली कर रहे हैं और मध्य प्रदेश जा रहे हैं, उस तरीके से वो रैली को ना कर पाते, या तो वो क्षेत्र में समय देते या फिर वो रैली को। तो उन्होंने इंडिया गठबंधन को मजबूती देने के लिए एक काम किया। अब बात आती है तेज प्रताप यादव की। एक नाम आज सुबह से, पिछले एक हफ्ते से बहुत चर्चा में था, वो नाम था तेज प्रताप यादव। कहा जा रहा था कि शायद उन्हें रामपुर से लड़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने उन्हें कन्नौज की सीट से प्रत्याशी बनाया है। तेज प्रताप यादव कई मायने में बहुत मजबूत और खास भी हैं। उन्होंने मैनपुरी में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, जिन्हें हम सब नेताजी के नाम से जानते हैं, उनकी विरासत को मैनपुरी में संभाला, और विरासत को संभालने के साथ ही उन्होंने जिस रफ्तार से मैनपुरी में काम कराया वो देखने लायक था। वहाँ के लोग उनको चाहते थे, एक यूथ थे और बहुत ही चर्चित नाम उस समय था जब मुलायम सिंह यादव की जी ने सीट उपचुनाव में तेज प्रताप यादव को दी थी। तेज प्रताप यादव का अगर बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं और अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं। कन्नौज में काफी दिनों से वो एक्टिव थे और लगातार लोगों से मिल रहे थे। साथ ही जब बात आती है कि भाई तेज प्रताप ही क्यों, तो तेज प्रताप यादव की वहां डिमांड थी। जिस तरीके से अखिलेश यादव का स्वभाव है, लोग बताते हैं सेम उसी स्वभाव के तेज प्रताप यादव भी हैं। लेकिन कन्नौज की सीट की बात चली रही है क्योंकि बहुत वीआईपी सीट कही जाती है। यहां पर सब कुछ हुआ। यहां पर एक प्रत्याशी ने यह आरोप भी लगाया एक बार कि मुझे मारा गया, उसके बाद कि मुझे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मारा। ये बात खत्म हुई तो कहा गया कि एक बार भाजपा के प्रत्याशी सुब्रत पाठक को रोक दिया गया, ऐसा लोग कहते थे। लेकिन अब वहां पर समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप को प्रत्याशी बनाया है, और साथ ही जिसमें दूसरी सीट की चर्चा कर रहा था वो सीट है बलिया की। बलिया से सनातन पांडे को टिकट दी गई है। सनातन पांडे बसपा में 2019 में चुनाव लड़े थे और सपा गठबंधन की ओर से प्रत्याशी थे। उन्होंने भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी। भाजपा के वीरेंद्र सिंह मस्त को 4,69,114 मत मिले थे, वहीं सपा के सनातन पांडे को 4,53,595 वोट मिले थे। हार का अंतर मात्र 15,519 था। ये बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। लोग एक एक दो दो लाख की लीड को भी लोकसभा चुनाव में धाराशाही कर देते हैं। ये वो समय होता है जब आप मेहनत कैसी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में लोग ये बार बार आरोप लगा रहे थे कि भाई पीडीए कहाँ है, पीडीए की बात हो रही है। अखिलेश यादव ने कई बार कहा कि वो पीडीए का मतलब ये नहीं है जो आपको उसको गलत तरीके से बताया गया है, और होता भी रहा है। अगर पक्ष विपक्ष पर वार होते रहे हैं और लगातार हो भी रहे हैं, जिन्हें देखने सुनने वाला मुझे लगता कोई नहीं। बात एक पार्टी कर रही है 400 पार की, एक पार्टी कर रही है 400 हार की। दो गठबंधन ये बात कर रहे हैं, लेकिन यूपी की 80 सीटें, उत्तराखंड की 5 सीटें, 48 सीटें महाराष्ट्र की,
माफ करिएगा 40 सीटें बिहार की। इन सीटों पर अलग अलग रुझान आ रहे हैं सामने, और जो रुझान हैं, जो चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं दोनों ही गठबंधनों को, चाहे वो इंडिया हो चाहे इंडिया अलायंस हो, इन दोनों गठबंधनों के लिए चिंता का सवाल है। समाजवादी पार्टी सपा प्रवक्ता मोहम्मद साजिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साजिद भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। साजिद भाई, तेज प्रताप यादव का जब नाम आया तब कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर रही होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन एक सवाल फिर समाजवादी पार्टी की ओर इशारा करता है कि आदित्य यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और अब तेज प्रताप यादव, फिर वही कहानी घूम फिर के परिवार पर आ रही है। समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन में जो बेहतर है चुनाव लड़ने के लिए, उसके लिए राष्ट्रीय मतलब तय करता है और चुनाव में या वैसे भी एक कमेटी है जो टिकट घोषणा करती है, टिकट घोषणा कमेटी ही तय करती है कि कौन बेहतर है और जो बेहतर होता है उसको टिकट दिया जाता है और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व तय कर दे तो उसके जनता को भी करती है। और ये भाजपा या भाजपा का जो एनडीए दल है उसके साथ ये नहीं होता, क्योंकि उनके भी जो है वो, जैसे आप देखिए कि गोरखपुर में निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको जो है वो दौड़ा लिया गया है शादी प्रोग्राम में, उनके भी कई बच्चे राजनीति। आवाज बहुत धीरे आई साजिद भाई आपकी। हेलो, हाँ अब आपकी आवाज ठीक है। तो समाजवादी पार्टी का जो कमेटी है जो उसका टिकट फाइनल कर देती है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसको कबूल करते हैं और उसके साथ जनता भी होती है, उसे जिताकर भेजती है। तेज प्रताप जी 2014 से 2019 तक सांसद रहे हैं और संगठन में भी काफी मजबूत पकड़ है, वो जनता के बीच एक अच्छा जो है वो उनका माना जाता है, जनता उनको पसंद करती है और इस बार भी कन्नौज में लंबे अंतर से चुनाव जीतकर संसद पहुंचेंगे और कन्नौज पहले से ही समाजवादी पार्टी की सीट रही है और इस बार भी वहां से समाजवादी पार्टी की जीत तय है। और भाजपा की नाकामियां जो है कि भाजपा आई थी 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करकर और 15 लाख का झूठा जो जुमला उन्होंने दिया था, जो महंगाई कम करने की बात कही थी, जो नारियों पर जुम्म की कम करने की बात कही थी, वो बड़ा है ना, ही वो रोजगार दे सकते हैं, ना ही किसी के खाते में 15 लाख रुपए आ पाए हैं, ना ही महिलाओं के पर जो जुल्म जातियां थी वो बंद हुई है। आप मणिपुर देख ही रहे हैं, करीब 1 साल से बहुत चल रहा है और ना ही वहाँ उसके बारे में प्रधानमंत्री कभी बोले हैं, ना ही कोई भाजपा नेता वहाँ पहुंचे, वहाँ महिलाओं के साथ क्या जुल्म हो रहे हैं ये पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में उनका विरोध हो रहा है और वो 150 से 175 के आगे नहीं बढ़ पा रहे। सवाल ये है, अभी 150 175 की जो आप बात कर रहे हैं ना, ये कांग्रेस के और अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की जब इंडिया अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें ये सवाल आया, उन्होंने राहुल गांधी ने इस बयान को कोट दिया, उसके बाद से बयान ट्रेंड करने लगा। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आज आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे होंगे, किस तरीके से बात उन्होंने किया आपके गठबंधन पर, उसके साथ साथ जो लगातार अब केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं समाप्तवादी पार्टी, ये 4 जून को समाप्त हो जाएगी, ये गठबंधन समाप्त हो जाएगा, 4 जून को 400 पार का दावा कर रहे हैं वो। देखिए वो ये कह रहे हैं कि हम 400 हारेंगे और जो बाकी बचेंगे 147, वो नारे को कह तो ये रहे हैं कि हम 400 हारेंगे और हम 400 के बाद हमारी गिनती है तो उनकी 143 बचती है, लेकिन हम लोग ये मान रहे हैं कि शायद वो 150 को छू लें, तो ये है। और वो भी ये कह रहे हैं कि हम 400 के पार हैं, 400 तक हमारी गिनती वो नहीं है, 400 तक हम नहीं है, 400 विपक्ष की सीटें रहेंगी, इंडिया गठबंधन की सीटें रहेंगी और जो 400 के बाद बचेंगी सीटें वो हमारी सीटें होंगी, तो वो अपने आप को 147 मान रहे हैं लेकिन हम ये मानते हैं कि शायद वो 150 तक छू लेंगे और 150 सीटें एनडीए गठबंधन की रहेंगी, क्योंकि उनका लगातार वोट प्रतिशत
आप 2014 पे देखेंगे तो लगातार गिर रहा है, और विधानसभा यूपी में भी उनका वोट प्रतिशत गिरा है, लोकसभा उनमें भी गिरा है, और इस बार तो बड़ी काफी अंतर होगा उनके वोट में, काफी नीचे चला जाएगा। तो वो लोग अभी गलतफहमी में है, उनको ख्वाब देखने की मनाही नहीं है, हालांकि उनको देश के संविधान उनकी आंखों में खटकता है लंबे समय से, वो लगातार उस पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इस बार भी वो यही कह रहे हैं कि हम चार के पार तो हमको संविधान बदलना है। अभी उनके सांसद थे अनंत बाड़े, उन्होंने कहा कर्नाटक में अरविंद गोविंद जी बोले, और जो उनका मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है, उसमें भी उन्होंने जैसे वन इलेक्शन वन एक देश एक चुनाव जो उनका नारा है, वो भी बिना संविधान संशोधन संविधान में बदलाव के नहीं हो सकता, क्योंकि देश में 1952 1957 और 1962 में चुनाव जो है वो एक देश एक चुनाव के तहत चुनाव हुए थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए क्योंकि इतना बड़ा देश है, 28 राज्य हैं, और बहुत चुनाव होते हैं जिसमें लोकसभा है, विधानसभा है, फिर जिला पंचायत सदस्य है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, ब्लॉक प्रमुख है, ग्राम प्रधान है, ग्राम पंचायत सदस्य है, एक कमेटी बनी हुई है जिसकी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी अध्यक्षता कर रहे हैं। अब ये दिक्कत मुद्दों पे अगर बात की जाए, कन्नौज में डिमांड थी अखिलेश यादव की, रामपुर में थी, आजमगढ़ में थी, बदायूं तक में थी, लेकिन इन सीटों से पीछे हटे। मुझे लगता है कि गठबंधन को मजबूत करने के लिए कि भाई मैं जा के प्रचार कर सकूंगा, ऐसा मेरा मानना है। कार्यकर्ताओं के बीच क्या संदेश है और कार्यकर्ता किस तरीके से इसको समझ रहा है? ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काफी लोकप्रिय हैं, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की डिमांड जो है वो कन्नौज या रामपुर या मैनपुर ही नहीं, पूरी यूपी में आपके लिए डिमांड थी कि आप किसी भी लोकसभा से आप लड़ जाएंगे और आप लंबे अंतर से जीत जाएंगे। हर कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है उनको पसंद करता है और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, लेकिन उनका चुनाव लड़ने का फैसला इसलिए सही है क्योंकि चुनाव चल रहा है, तो अगर कन्नौज में ही अपने चुनाव पर ध्यान देते तो बाकी 80 लोकसभा सीटें कहीं ना कहीं वो और अपने प्रत्याशी जो है पार्टी के इंडिया गठबंधन के उस पर ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए जो है उन्होंने पहले पार्टी को जिताने का फैसला किया। बाकी जब चुनाव हो जाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो आप जो है वो सांसद भवन पहुंचने का रास्ता कोई कठिन नहीं, वो जिस सीट से चाहेंगे वहां से चुनाव जीत लेंगे और चुनाव जीत कर फिर सदन पहुंचेंगे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी आवश्यकता यूपी में है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यूपी से हरा कर भेजना है, उसके बाद ही जो है वो बुरी, बाकी तो उनका साउथ में सबसे बुरी हालत है, बाहर तो दौड़ा रहे हैं और यही दौड़ाने की स्थिति आप देख सकते हैं कि यूपी में भी पश्चिम से शुरू हुई है और बेचारे नेता जी। अच्छा, पश्चिम में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप, आकलन क्या है? इंडिया गठबंधन 8 में से सभी 8 सीट जीत रहा है, चाहे सहारनपुर हो चाहे कैराना हो। अच्छा, एक भी सीट नहीं दे रहे आप, चाहे मुरादाबाद हो चाहे रामपुर। इसे कॉन्फिडेंस समझा जाए या ओवर कॉन्फिडेंस? चाहे नगीना हो, और नगीना तो ये नगीना की खासियत रही है कि नगीना हर बार अपनी अंगूठी बदल देता है, तो इस बार बहुत अच्छी 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 लोकसभा है, वहां की जनता भी बहुत अच्छी है। जी जी, तो समाजवादी पार्टी और भाजपा को एक भी सीट नहीं मिलने जा रही है, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। और भाजपा देखिए, जो पीडीए का वोट है वो तो है ही है, लेकिन भाजपा का जो वोट था वो भी अच्छे तक गया है उनके जुमलेबाजी से, और जो जुमले की छोटी बहन आई है 10 साल बाद गारंटी, तो अब न जुमलों पर भरोसा कर रही है जनता और ना उसकी छोटी बहन जो लाए हैं भाजपा के नेता 10 साल बाद गारंटी, ना उसको भरोसा कर। फिलहाल हम भी भाजपा के नेता को ले आए स्क्रीन पर, नीरज जी को, साजिद भाई हम भी भाजपा के नेता को स्क्रीन पर ले आए, नीरज कुमार त्रिपाठी जी कह रही है जुमले की छोटी बहन है, हम पश्चिम में 8 की 8 सीट जीत रहे हैं जो गारंटी आई है। जी, आपको नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार। अभी मुलायम साजिद जी बोल रहे थे, इनको काफी देर से प्रयास कर रहे थे सुनने का, बोल गए, हम ज्वाइन नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी जो इन्होंने कहा कि हम पांचों की पांचों सीटें जीत रहे हैं, आप ये देखिए कि अभी पार्टी की 5 नहीं है, 8 है, ऐसा है साजिद साहब। अभी हम लोग जिस विषय में चर्चा करने के लिए बैठे हैं वो तेज प्रताप यादव जी की सीट है,
और इस सीट के लिए हम लोग चर्चा करने बैठे हैं। इस सीट का जो निराकरण आपकी पार्टी के द्वारा किया गया है अंतिम समय में किया गया है, आप लोग एक सीट का बंटवारा कर नहीं पा रहे हैं। अगर वो मिलती भी है तो पार्टी को ही टिकट मिलती है, परिवार के बच्चे को ही टिकट मिलती है। आपकी पार्टी में कार्यकर्ता जो 18 साल का दरी बिछा रहा था, आज वो 80 साल में भी दरी बिछा रहा है, क्योंकि परिवार के लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं। आप क्या कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है? नीरज जी एक सवाल, समाजवादी पार्टी को आप बदल दीजिए, इस पार्टी का नाम आप रख दीजिए परिवारवादी पार्टी, क्योंकि आपके हाथ यही तो परेशानी है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, आपके हाथों कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलता, नेता तैयार होता है 40 साल। साजिद भाई आपको रोकूंगा, बिल्कुल रोकूंगा। नीरज जी आप कह रहे हैं जमीन से जुड़ा कार्यकर्ताओं को आप टिकट देते हैं, लखनऊ अगर आप जाते होंगे तो वहां से एक विधानसभा है जहां से पूर्व आईएएस क्या कहते हैं विधायक है राजेश्वर सिंह, ये कार्यकर्ता थे। एके शर्मा आईएएस ये कार्यकर्ता थे। अश्विनी वैष्णव ये कार्यकर्ता थे। विशाल जी हमसे पूछ रहे हैं ना? हाँ आप ही से पूछ रहे हैं, आप ही की पार्टी के हैं ना ये सब तो। हाँ, ये कार्यकर्ता थे? ऐसा है। अरे ये कार्यकर्ता थे या नहीं ये बता दीजिए। आपने कहा जमीन से जुड़े हैं, आप कह रहे हो ना जमीन से जुड़े हैं, और टिकट जमीन से जुड़े लोगों को दी जाती है। अगर समाजवादी पार्टी अपने परिवार में टिकट बांट रही है तो उससे दिक्कत है, लेकिन आपने जितने लोगों का नाम लिया उसमें से ऐसा कोई व्यक्ति बताइए जिसके पिता या जिसके दादा हमारी पार्टी में नेता रहे। अभी जितने नाम आपने लिए, लेकिन हम जितने नाम ले रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी बात का जवाब तो दीजिए आप। बिल्कुल आपको रुकूंगा। हमारे साथ कन्नौज से मौजूदा सांसद और बीजेपी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक फोन लाइन पर रहे। सुब्रत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे हम सुब्रत जी से और नीरज जी के पास चलेंगे। नीरज जी मैं ये नहीं कह रहा हूं उनके जो घर के लोग थे वो किस पार्टी में थे या क्या थे, लेकिन मैं पूछ रहा हूं आप कह रहे दरी कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो, वो मेरी बात सुन लीजिए, कार्यकर्ता किसी पार्टी का हो, किसी गठबंधन का हो, किसी दल का हो, वो रुआब्जे की चीनी की व्यवस्था करने जाता है और रुआब्जे में पड़ने वाले पानी की व्यवस्था करता है, बाकी टिकट तो आप दोनों पार्टियों में कहां से दी जाती है तो भगवान ही मालिक है। लोग नौकरी छोड़ छोड़ आपकी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ कई लोग इस गठबंधन से टिकट लेने की नौकरी छोड़ते हैं और फिर नौकरी भी चली जाती है और टिकट भी नहीं मिलता। अगर इंडिया अलायंस की बात करें, आप मौका तो दीजिए। अरे मौका आप ही को देने के लिए आ रहे हैं, दो बार तो आपको जनता ने मौका दे दिया, हम तो यहाँ 2 मिनट तो देंगे ही नहीं, जनता हमें हर बार मौका देगी, अगली बार भी सुब्रत जी ही जीत रहे हैं और उससे ज्यादा अंतर से जीत रहे हैं। रही बात, हमने ये कहा था कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता अगर काम कर रहा है तो उम्मीद है कि वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, वो संगठन से जुड़ा रहता है, और कोई अच्छा व्यक्ति अगर हमारी पार्टी से युवा अवस्था में आना चाहता है तो हम उसे लेते हैं, कोई बढ़िया अधिकारी रिटायर होकर हमारी पार्टी के माध्यम से देश सेवा करना चाहता है हम उसको अपनी पार्टी में लेते हैं। लेकिन इनके यहाँ आप बता दीजिए आज की तारीख में ये 5वां उम्मीदवार इनकी परिवार से है, ये जो है डिंपल यादव जी मैनपुरी से है, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, बदायूं से आदित्य यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, और उसके बाद तेज प्रताप यादव जी जो अखिलेश जी के भतीजे और उधर लालू यादव जी के दोस्त है। आपके पास जनता के लिए कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं है, आप कार्यकर्ताओं को नहीं दे सकते हैं सीटें, लेकिन फिर भी मैं तेज प्रताप जी को बधाई दूंगा कि आप पारिवारिक लड़ाई में टिकट तो ले आए हैं, लेकिन इसकी सांत्वना दूंगा कि सीट नहीं मिल पाएगी आपको, वो तो हमारे नीरज सुब्रत जी के पास ही रहेगी क्योंकि उन्होंने सेवा की है, 5 साल काम किया है। कुछ विरोध के वीडियो आए थे उनके कि बड़ा विरोध हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, विरोध तो जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं, आप सीट पे रहते हैं तो विरोधी भी आपके रहते हैं। हमारे सामने जब साजिद भाई बैठे हैं तो इनके कार्यकर्ता ही विरोध में खड़े हो गए होंगे सपा के। अब आप देखिए इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में तेज प्रताप जी तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने इंडिया गठबंधन कहा वरना भारतीय जनता पार्टी तो उसको इंडी कह रही है, पहले प्रवक्ता है जिन्होंने इंडिया कहा है उसे। नहीं कोई बात नहीं, वो इंडी गठबंधन तो है ही है, लेकिन जब इन्होंने उसको हमारे देश के साथ जोड़ा है, देश के नाम के साथ जोड़ा है, तो उसको अपवित्र करने से बचाना हमारा धर्म है। जो हमारे देश की मूल परिभाषा थी वो इनके गठबंधन बिल्कुल विपरीत परिभाषा है दोनों की।
बिल्कुल साजिद भाई, क्या कि आपने इंडिया के जो नाम को इस्तेमाल किया है, अलायंस जो बनाया है अपना, उससे अपवित्र हो रहा है भारतीय नाम? ये तो प्रतिदिन जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता देश को शर्मिंदा करने पर तुले हैं। देश जो है वो किस स्थिति में पहुंचा दिया है, और ये बात करते हैं परिवारवाद की, धर्मेंद्र प्रधान जी के फादर देवेंद्र प्रधान जी, ये परिवारवाद नहीं है। रविशंकर प्रसाद जी के पिताजी रवि ठाकुर प्रसाद जी 3 बार सांसद रहे, अब उनके बेटे हैं, क्या ये परिवारवाद नहीं है? पीयूष गोयल जो इनके मंत्री हैं, उनकी मदर चंद्रकांता गोयल और उनके पिता वेद प्रकाश गोयल जी, क्या ये परिवारवाद नहीं है? और अनुप्रिया पटेल उनकी माँ और उनके पति और उनकी बहन, तमाम लोग जो है वो राजनीति में है और सांसद है, उनके पति एमएलसी है और वो खुद सांसद है, ये परिवारवाद नहीं है? और एक जो उनके मंत्री है, जो होम मिनिस्टर है इंडिया में और जो है वो भारत सरकार में होम मिनिस्टर है, और उनके बेटे ने जो है वो कई सेंचुरियां और कई जो है वर्ल्ड कप जिताए हैं, ये परिवारवाद नहीं है? वो बीसीसीआई में किस पद पर बैठे हैं, क्या सबको नहीं मालूम है? और एक निषाद जी है जिन पर जो है वो हमले हो रहे हैं, कल भी उन पर गोरखपुर में हमला हुआ है, उनके दोनों बेटे राजनीति में है और वो खुद भी है, तो ये परिवारवाद नहीं है? लेकिन इनको ये परिवारवाद नहीं देखेगा। अरे राजभर जी का भी नाम ले लीजिए, डर क्यों रहा है राजभर जी से? मैं कह रहा हूँ राजभर जी का भी नाम ले लीजिए। हाँ, वो पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का टिकट काट कर उन्होंने गोरक्षा फीड भेज रहे थे, और अब भारतीय जनता पार्टी में वो मिनिस्टर है और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सम्मान देने का काम किया है। और एक और है इनके यहाँ अभी जो एमएलसी बनाए गए हैं, जो घोसी विधानसभा से चुनाव हारे हैं, और वो भी जो है वो तमाम उनके आरोप थे माननीय मुख्यमंत्री जी पर, और अब वो भी इनके यहाँ उनके उनके सम्मान को वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इनके यहाँ जो ये करें वो सब ठीक है। जैसे आप देखिए कि भ्रष्टाचार में अगर कोई और हो तो ये उस पर कैसे करते हैं, लेकिन जब इनके यहाँ पहुंच जाता है, चाहे जो है हेमंत बिस्वा हो या अजीत पवार जी हो, तो इनके यहाँ बड़े बड़े लीडर हैं जो जितना बड़ा करप्शन करके आए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही बिल्कुल पाक साफ दूध के धुले हो जाते हैं। इनकी वॉशिंग मशीन है भी बहुत जबरदस्त, पता नहीं ये कहाँ से लाए हैं, इजराइल की है या अमेरिका की है, कि आप ये समझिए कि जो उसमें गया भारतीय जनता पार्टी में, क्या उसने कितना ही करप्शन किया, और फिर उसमें जो है वो उनके यहाँ आ जाए, या फिर वो वसूली गैंग से मुलाकात करें और इनको इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दे और धंधा ले और चंदा दे और जांचों में जो है वो राहत पाए। तो इनके यहाँ जो एक लगातार जो खेल चल रहा है, आप देखिए नोटबंदी से लेकर फिर राफेल है या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई या और तमाम दिल्ली में जमीन घोटाला है, कर्नाटका में इनके येदुरप्पा जी ने क्या किया था, हेमंत बिस्वा जी ने क्या किया था, तो ये सब जो है वो पूरे भ्रष्टाचार के अखंड में ये डूब चुके हैं। लेकिन इनको वो भ्रष्टाचार नहीं दिखेगा, लेकिन इस बार इनको जनता जो है वो तुली बैठी है और उनका जो है स्वागत करना शुरू कर दिया है। और हरियाणा में तो जो प्रत्याशी है वो वोट मांगने भी नहीं जा रहे हैं, जब प्रत्याशी को पब्लिक 5 साल से ढूंढ रही थी, और जैसे ही वो जनता को दिखता है तो जनता उसको दौड़ाना शुरू कर देती है। तो हरियाणा में तो बहुत बुरी हालत है, और उसकी जो है आपने देखा कि संजीव बालियान जी जब गए तो इन्होंने एक डील की थी भारत रत्न की एक नेता जी से, किसानों पर लाठियां बरसाते रहे, उन्हें किसानों की आय दोगुनी का वायदा किया और फिर उन पर लाठियां गोलियां सब बरसाई, और उसके बाद वो एक डील हुई और वो सारे जो इन्होंने किया था उन पर जुल्म जाती किसानों पे, वो फिर उन नेताजी की नजरों से वो सब खत्म हो गई। और भारत रत्न लेने के बाद वो मंच पर जरूर आ गए, लेकिन किसान देशभक्त है और वो नहीं आया, उसने जो एमएसपी की मांग कर रहा था। बिल्कुल जवाब ले लेते हैं, कई सवाल हो गए ना अब तो। साजिद भाई नीरज भाई से जवाब भी ले ले, समय कम है हमारे पास। नीरज भाई क्या ये तो कह रहे हैं हरियाणा में आप के प्रत्याशी प्रचार नहीं कर रहे हैं? इन्होंने बहुत अच्छी बात की विशाल जी, जी 5 साल से प्रत्याशी को ढूंढ रही थी जनता, इन्होंने ये कहा। आप ये बताइए जितने मुद्दे बताए इन्होंने, इतने सारे मुद्दे बताए, आपको टोकना पड़ा इनके मुद्दे तब रुके, क्या एक भी मुद्दा इन्होंने जमीन पे लड़ाई लड़ पाए, क्या कोई ऐसा मुद्दा खड़ा कर पाए 5 सालों में जिसके खिलाफ आपने माहौल बनाया हो?
कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिसके खिलाफ आप माहौल बना पाते, क्योंकि हमारी जो सरकार है, हमारी जो प्रधानमंत्री है, वो देश को विकासशील से विकसित की ओर ले जाना चाहते हैं, और उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे, देश रक्षा में जो करना पड़ेगा हम करेंगे, और 2047 तक भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित प्रदेश, विकसित देश पूरे भारत को बना के रखेंगे। यह विजन बहुत लंबा है, 24, 29, 34 की बात ही नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो 2047 में सीधे चले गए। विजन इसलिए लंबा है कि आप जब बात करते थे कि 370 हटना है, केवल बात करते रहे, कभी आपने प्रयास नहीं किया। आप बात करते थे सीएए लागू होना है, केवल बात करते रहे, कभी प्रयास नहीं किया। हम उसी बात को, हम मैं कह रहा हूं उसी काम को हमने सीना ठोक के संसद में पूरी बात कह के और सारी चीजें क्लियर करके काम किया है। सांसदों को 2 करोड़ रोजगार देने की भी बात करते थे, वो तो नहीं दिया। देश को 1 करोड़ आपने तो 15 लाख रुपए देने की भी वायदा किया था, वो क्यों नहीं किया? 10 साल हो गए। आपने तो महंगाई कम करने की भी बात कही थी, महंगाई कहां कम हुई? आपने जो गैस सिलेंडर का 400 रुपए का था, आपने पिता का सम्मान न कर पाए, अपमानीय। ये कैसी बात होती? अब वो सिलेंडर में बात कर रहे हैं और आप पिता पे आ गए। सबकी सब चुनाव लड़ रहे हैं और सब लोग एक है, समाजवादी पार्टी में सबका सम्मान है। आप तो उनके सम्मान की बात, मैं बात कर रहा हूँ कि आप दोनों बिल्कुल साजिद भाई, नीरज जी, बात हो रही सिलेंडर की, आप पिता को ले आए बीच में। नहीं, पिता इसलिए ले ऐसा है ना, इन्होंने कुछ काम नहीं किया है। इन्होंने जो इनके प्रधानमंत्री जी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कपड़े बदलते हैं तो ये समझते हैं देश बदल रहा है। जब वो 10 लाख से 15 लाख रुपए का सूट पहनते हैं तो ये समझ रहे हैं कि देश विकसित हो रहा है। देश विकसित नहीं हो रहा है। ये चश्मा जो इनका फ्रेम है, उसको इनका सेट है, इनको उतने पर ही वही दिख रहा है और उतना ही बोलना है। बताइए देश कहाँ से बदल रहा है? जिस देश पर 61,000 करोड़ रुपए कर्ज था, 178 लाख करोड़ रुपए कर्ज हो गया, देश की GDP का 57% कर्ज हो गया। एक साल से मणिपुर में लगातार जो है वो हमले हो रहे हैं, वहां पे बवाल मचा हुआ है, 6,000 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं, कई हजार लोग घायल है वहां पे, किस तरीके से महिलाओं के साथ हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन इनको नहीं दिख रहा है। आप देखिए कि दो देश के पूरी दुनिया है, भारत की आज जो स्थिति है, भारत की जो आज स्थिति है वो आज तक के इतिहास में सबसे टॉप परिस्थिति है। पूरा देश सम्मान की नजरों से, दुनिया की नजरों से भारत को देख रहा है। नीरज जी, मैं फाइनल कमेंट आपका लूंगा, फिर डिबेट को क्लोज करते हैं। नीरज जी 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 विस्तार जी जी, फाइनल कमेंट ये है, फाइनल कमेंट ये है कि हम लोग उत्तर प्रदेश की और तेज प्रताप यादव जी की सीट को लेकर 80 की 80 सीटें अच्छे अंतरों से जीत रहे हैं, और 400 पार का नारा सक्षम होगा और 400 पार की हम लोग सीटें लेकर आएंगे और केंद्र सरकार बनाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमसे जुड़ने के लिए। साजिद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश यादव इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसी के साथ जो 2024 की लड़ाई है ना, वो और खुल के आ गई है, क्योंकि अब अखिलेश यादव खुल के प्रचार करेंगे और उसी के साथ जो टिकट बंटवारे हैं उनको लेकर भी लोगों से मिलेंगे, उनकी जो गलतफहमियां हैं उनको दूर करेंगे। फिलहाल 2024 के महासभा में तही देखते रहिए केएनएन इंडिया। नमस्कार। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।